अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाले 31 जुलाई को बरोज़ संडे के दिन ठीक 2:30 बजे 2:30 PM को नेशनल कॉलेज ग्राउंड में SDPI के जानिब से ग्रैंड पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस रखा गया है, अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस रखा गया है। लिहाजा गुलबर्गा की तमाम अवाम से ये अपील की जाती है कि इस प्रोग्राम में शामिल होकर, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर इसको कामयाब बनाएं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फाइन आर्ट डिजाइनर, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, SR कॉन्टिनेंटल होटल। आज के जो हालात हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से BJP, भारतीय जनता पार्टी और जो राज्य में और उसके साथ साथ केंद्र में, दोनों जगह ये जो डबल इंजन की सरकार है टोटली फेलियर हो चुकी है। आज महंगाई आसमान छू रही है, उसके बाद लोगों के मौत लगातार हो रहे हैं। कोविड में भी मौत हो गई, उसके बाद लॉकडाउन में मौत हो गई, अब महंगाई से मौत हो रही है। और किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, आज भी जो गरीब जनता है परेशान है। गैस का रेट बढ़ गया है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और उसके साथ साथ इंडिया के अंदर इन तमाम प्रॉब्लम्स रहने के बावजूद भी इंडिया के अंदर यहाँ पर लगातार मुसलमानों पर हमला हो रहा है, दलितों पर हमला हो रहा है, आदिवासियों पर हमला हो रहा है, और जो बिछड़े हुए तबकात हैं उन लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इंडिया के बाहर जितने भी बॉर्डर्स हैं, लगातार चाइना अंदर आ रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान से अटैक लगातार हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें रहने के बावजूद भी ये जो BJP की सरकार है, ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, ये टोटली फेलियर हो चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसके मुखालिफत में सेम कर्नाटका में भी बसवराज बोम्मई जी की जो सरकार है, हिजाब बैन, हलाल बैन, उसके बाद क्या ना क्या, कुछ ना कुछ लगातार मसले मसाइल यहाँ पर हो रहे हैं। दूसरी ओर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ खामोश बैठी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो JDS हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ये तमाम के तमाम खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे वक्त में SDPI अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार आवाम के मसाइल को लेकर लोगों के दरमियान में जाकर एहतजाज के ज़रिए से और इलेक्शन के ज़रिए से लोगों को अंदर अवेयरनेस लाकर और अपनी मांगों को, अवाम की मांगों को लगातार ये जो हुकूमतें हैं इनके सामने रखते हुए काम करते हुए आ रही है। इसी के ज़मन में SDPI पूरे कर्नाटका में ऐसे ग्रैंड कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। तो आने वाले 31 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस गुलबर्गा शहर में होने वाला है, ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस रहेगा जिसके अंदर नेशनल के, स्टेट के तमाम लीडर्स और बाहर के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी तशरीफ़ लाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर आने वाले संडे को दोपहर 2:30 बजे नेशनल कॉलेज ग्राउंड में आकर इस प्रोग्राम को, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फाइन आर्ट डिजाइनर, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, SR कॉन्टिनेंटल होटल।